कि नहीं चले तो स्टाम्प पेपर लेके आइए, लिख के दूंगा जी। साल भर तक आपके बिजनेस एकदम रफ्तार में हो जाएगा, और आपका सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख देना, पैसा लेके जाना। क्या बात कर रहे हैं, इतना रिफंड वाली पॉलिसी, पैसे वापस होंगे एकदम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता शर्मा, एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका आप ही की कंपनी ओम विजय फैशन, जो कि सूरत गुजरात में है। तो आज हम डायरेक्ट यहां के ओनर मिस्टर विजय प्रसाद जी से मिल रहे हैं और उनसे ही बातें करेंगे कि क्या चल रहा है सूरत के अंदर और व्यापार में किस तरीके से आगे बढ़ना है और अभी आगे क्या करना है। तो नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। तो भैया आज मैं व्यूअर्स को लेके आई, डायरेक्ट आपसे मिला रही हूँ। तो सबसे पहले ये बताइए, सूरत का क्या माहौल है, क्या चल रहा है सूरत के अंदर? तो सूरत में क्या बिक्री चालू हो गया है जी, जिसको भी नया व्यापार चालू करना है आ रहे हैं जी, लेकिन समझदारी की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं इसीलिए कि जिसको भी खरीदी करना है तो सामने आइए, सामने देखिए, कपड़ा देखिए, पहचानिए, उसके बारे में जानिए, तो व्यापार हो सकता है। सही। तो हम लोग यही सलाह देते हैं, रहना खाना भी फ्री देते हैं जी, रिसीव भी कराते हैं, 24 घंटे का सर्विस देते हैं जी, दिन रात ड्राइवर अलग रखा हुआ है, जो जब भी आते हैं, जो भी नंबर चालू है स्क्रीन पे उसके फोन कर दीजिए कि मैं आ रहा हूँ, तो आपको रिसीव कर लेते हैं जी। तो जैसे कोई महिला है, उनका बिजनेस करने का मन है और वो बिजनेस करना चाहती है, सूरत से जुड़ना चाहती है, ओम विजय फैशन से जुड़ना चाहती है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर आए और उनको क्या सर्विस मिलेगी यहाँ पर? देखिए, टिकट ले लीजिए, घर से निकलते समय फोन कर दीजिए, मैं आ रही हूँ। कितना बजट लेके चलना है उनको? देखिए, कम से कम तो 40-50 हज़ार रुपया लगाएं तो ही काम होता है जी। क्योंकि चार चार पीस सैंपल देते हैं तो रेंज बनता है जी। 10-20 हज़ार रुपया में कुछ हो नहीं पाता है, घर के आज कपड़ा भी लेते हो जी तो कितना लगता है पैसा, वो भी आपको पता है। ट्राई मारने के लिए सोचते हैं 10-20 हज़ार रुपया में, तो 10-20 हज़ार रुपया का काम करना है तो लोकल ही लेके काम कीजिए। यदि अपने पास में ही कोई होलसेलर है तो उससे लेके आप शुरुआत कीजिए। गलत गुमराह नहीं करूँगा, क्योंकि आंखों के सामने देखेंगे तो पता चलेगा कितने का है क्या है। राइट। यहाँ सूरत आने के लिए कम से कम 50 हज़ार रुपया चाहिए, तो चार चार पीस रेंज देंगे तो एक वैरायटीज बन जाती है, किसी किसी को दिखाएंगे बेचेंगे तो कुछ कमाना चालू हो जाएगा, तो आपका आगे मन बनेगा जी। और अगर थोड़ी सी शुरुआत करनी है, मान लीजिए 10-15 हज़ार का, तो मतलब वो अपने पास में होलसेलर, यहाँ से तो बहुत सारे होलसेलर से जो माल लेके जाते हैं होलसेलर, तो आपको वहीं सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि हम गलत किसी को सलाह नहीं देंगे, दो दिन आने का जाने का और खर्चा लगता है, तो कम से कम इस पे ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग तो इसलिए ऑनलाइन भी नहीं देते हैं 10-20 हज़ार का कपड़ा, क्योंकि फोटो में कुछ लगता है, माल जाता है तो कुछ मिलता है, तो इसके लिए हम लोग का ही आत्मा तड़प जाता है कि भाई सामने वाला का बिका नहीं बिका, गलत मिला जी। और जिसको लंबा पूंजी लगाना है उसके लिए सुरक्षा कवच देते हैं, 10 लाख से जो ऊपर लगाते हैं उनकी फुल बिजनेस की गारंटी देते हैं कि नहीं चले तो स्टाम्प पेपर लेके आइए, लिख के दूंगा जी। साल भर तक आपके बिजनेस एकदम रफ्तार में हो जाएगा, और आपका सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख देना, पैसा लेके जाना। क्या बात कर रहे हैं, इतना रिफंड वाली पॉलिसी, पैसे वापस होंगे एकदम। पर एक चीज आप ख्याल मतलब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सर ने कहा है 10 लाख से ऊपर पूंजी अगर आप लगाते, यानी एक शोरूम या बड़ा शॉप आप स्टार्ट करते हो तो आपको इतना बजट तो लगाना ही पड़ेगा, और वहां पर आपको रिफंड वाली पॉलिसी, सुरक्षा कवच जो सर ने कहा है, वो आपको मिलने वाला है। क्योंकि आपका बिजनेस सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि हम अपने हिसाब से आपको बताएंगे, समझाएंगे किस तरीके से ओपनिंग करना है, किस तरीके से बिजनेस करना है। क्योंकि देखो, हम 300 रुपया लेकर के आए थे, हमारा घर सासाराम रोहतास जिला पड़ी, तो 300 रुपया से आज इतना कारोबार बढ़ा के रख ले बने। बिल्कुल। तो रोरा सब के कोई भी वीडियो देखा तो जो 10 लाख रुपया लगाए तो फुल गारंटी बा, जब हम 300 में इतना सक्सेस हो सकते हैं तो आपका 10 लाख लगवाएंगे तो आप क्यों नहीं सक्सेस होंगे। इसके लिए हम गर्व से बोलते हैं कि स्टाम्प पेपर लेके आइए, लिख के दूंगा,
आपका बिजनेस सक्सेस होगा, नहीं होगा तो पैसा रिफंड दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक शायद आपने बहुत हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन गारंटी देती हूँ कि रिफंड वाली पॉलिसी अभी तक किसी व्यापारी ने पूरे सूरत के अंदर आपको नहीं दी होगी। साथ ही मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर आपसे कि मैं देख रही हूँ काफ़ी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, जुड़ रही हैं, विजय फैशन से शुरुआत कर रही हैं, तो उनके लिए जैसे कि एक पॉलिसी होती है ना कि शुरुआत है, तो क्या सपोर्ट दे रही है कंपनी उनको? देखिए, उनका माल एक बार भी नहीं, 10 बार भी नहीं बिकता है। जब भी आते हैं माल उनका रिटर्न करके चेंज करके चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक साल के अंदर वो कभी भी आते हैं तो एक्सचेंज करके नया नया माल लेके जाते हैं। तो यानी कि एक साल एक बहुत अच्छा पीरियड होता है, पूरा टोटल सीजन का टाइम होता है एक साल के अंदर। शादी ब्याह भी आते हैं, वेडिंग सीजन भी आती है, फेस्टिवल्स भी आते हैं, मतलब टोटल एक साल के अंदर तो अगर बिजनेस का उतार चढ़ाव जो भी आपको देखना है वो एक साल के अंदर दिख जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रिफंड पॉलिसी मिल रही है, एक्सचेंज पॉलिसी मिल रही है, और रहना खाना तो फ्री है ही, ताकि आप सूरत आते हैं तो किसी भी व्यापारी का एक रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए सूरत में रहने पर। और आपका हमारा यही मनोपली रहता है कि आपका माल बिकेगा तब मेरा माल बिकेगा, ऐसा नहीं कि मैंने अपना माल बेच दिया छुट्टी हो गया और खुशी हो गई। जब आप रिपीट खरीदी करने आते हैं तो ही हम खुश होते हैं कि नहीं, हमारा कपड़ा बिक रहा है और आपका व्यापार सक्सेस हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, और लिटरली मैं कहती हूँ कि शायद ही कोई व्यापारी अपने कस्टमर के बारे में ऐसा सोचता होगा सूरत के अंदर। तो बिल्कुल मैं अब उम्मीद करूँगी कि आज सर ने जो बातें आपको बताई, इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसी आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, कोई स्वार्थ नहीं है, ये अपने माइंड से आप हटा दीजिएगा, कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपके लिए एक सेवा है और आपको एक सपोर्ट है। क्योंकि जो भी व्यापार करना चाहते हैं उनकी हिम्मत टूट जाती है धोखा होने के बाद में, तो यहाँ से एक सपोर्ट सर दे रहे हैं, एक कदम वो बढ़ा रहे हैं, 2 कदम आप बढ़ाइए, 4 कदम आगे आप बढ़ने ही वाले हैं। तो उम्मीद करूंगी कि आज की बातें एंड वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर।